में काफी ज्यादा अच्छी आएगी। सो गाइज, ये था हमारा कंपाउंडिंग सीरीज का पार्ट 2। तो अगर आप थर्ड पार्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो कि है हमारा पॉलिशिंग का प्रोसेस और वो है हमारा फाइनल कंपाउंडिंग सीरीज का फाइनल पार्ट। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, ये है कंपाउंडिंग सीरीज का पार्ट 2। पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि मैंने अपनी बाइक को कर लिया था कंपाउंड। पार्ट 2 में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कंपाउंडिंग के बाद जो हमने बाइक को वॉश करना है वो किस तरीके से करना है। जैसे हम नॉर्मली वॉश करते हैं वैसे नहीं करना है, वॉशिंग का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट रहेगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा गाइज। अगर आपने हमारी कंपाउंडिंग सीरीज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप कंपाउंडिंग सीरीज का पार्ट 1 देख सकते हो। सो गाइज, कंपाउंडिंग के बाद वॉशिंग का जो पहला स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले हमने अपनी बाइक को डीजल से करना है वॉश। डीजल से वॉश हमने ऐसे करना है जिन पार्ट पर हमने कंपाउंड नहीं लगा पाए, जगह काफी कम थी, उन जगह पर सबसे पहले हमने ब्रश की मदद से डीजल को अप्लाई कर देना है। उससे क्या होता है कि डीजल भी अच्छे तरीके से क्लीन कर देगा, जो भी धूल मिट्टी जमी होगी उसको डीजल अच्छे से निकाल देगा। उसके बाद हमने क्या करना है कि जिस बाइक के जिस भी पार्ट पर हमने कंपाउंडिंग की हुई है उसके ऊपर हमने डीजल स्प्रे करना है, उसके ऊपर हमने ब्रश नहीं मारना। उससे क्या होगा कि जो भी कंपाउंडिंग उस पार्ट पर जमी रहेगी उसको डीजल की मदद से आसानी से निकाला जा सकता है। तो इंजन के ऊपर हमने ब्रश से कर देंगे साफ, क्योंकि उसके ऊपर हमारा हाथ नहीं पहुंचा और हमने अच्छे से सफाई नहीं किया कंपाउंडिंग की मदद से, तो वो हम करेंगे डीजल की मदद से। तो पहले इसको मैं जल्दी से कर लेता हूं, उसके बाद मैं आगे आपको वीडियो में दिखाता हूं। सो गाइस, डीजल को मैंने स्प्रे कर दिया और अभी मैं करने वाला हूँ बाइक को एक बार पानी से वॉश। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी बाइक में कचरा वचरा लगा रहेगा वो सारा साफ हो जाएगा और बाइक एक बार पूरी क्लीन हो जाएगी। जब भी आप ऐसा कुछ करो या करवाओ तो इस बात का ध्यान जरूर रखो, सारे स्टेप को आप ध्यान में जरूर रखो। सो गाइज, आपने देखा है कि मैंने अपनी बाइक को डीजल से वॉश किया, उसके बाद पानी से वॉश कर लिया है। तो अभी मैं करने वाला हूँ उसको शैम्पू से वॉश। तो जब भी आप बाइक को नॉर्मल भी वॉश करो तो आपने शैम्पू से ही वॉश करना है, उस पर सर्फ का यूज नहीं करना। शैम्पू सॉफ्ट होता है तो इससे हमारी बाइक के पेंट के डैमेज होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं, लेकिन अगर हम सर्फ का यूज़ करते हैं तो इससे हमारी बाइक के जो पेंट की ग्लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। और जब हम बाइक को वॉश करने के बाद सुखा लेते हैं तो हमारी बाइक की लुक देखने में इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं आती। तो जब भी आपने बाइक को वॉश करना है हमेशा शैम्पू से ही वॉश करिए। और एक बात मैं आपको और बता देता हूँ कि
ये जो मैं अभी बाइक को शैम्पू से वॉश कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को हमने 3 से 4 बार करना है। इससे क्या होगा, पहले स्टेप में जो हमने डीजल वॉश किया है वही निकलेगा अच्छे तरीके से, वो भी नहीं निकलेगा, उसके लिए भी हमें उसको 2 बार शैम्पू से क्लीन करना पड़ेगा। तो ये वाले स्टेप को हमने 3 से 4 बार करना है, इससे हमारी बाइक की जो डीजल लगा है वो भी अच्छे से निकल जाएगा और उसके बाद बाइक की जो ग्लॉस हम जैसी चाहते हैं वैसी ग्लॉस आएगी। तो ये सब कुछ मैं आपको दिखाऊंगा फास्ट फॉरवर्ड में, तो वीडियो को आप आगे देखिए।
सो गाइज आप देख सकते हैं कि बाइक को हमने 3 बार शैम्पू से वॉश किया और 3 बार वॉश करने के बाद बाइक की जो लुक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है और बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। बाइक का इंजन विंजन सब अच्छे से चमक रहा है, मतलब जो हम जैसी चाहते थे ग्लॉस वैसी ही आई है और बाइक देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि बाइक को हमने सुखाना कैसे है और सुखाने के बाद बाइक की जो लुक है वो हमें देखने में कैसी मिलती है। तो गाइस जब हम बाइक को वॉश कर लेते हैं और वॉश करने के बाद बाइक को सुखाने का प्रोसेस वो भी मैं आपको बता देता हूं। हमारे पास 2 कपड़े होने चाहिए, दोनों ही कॉटन के। सबसे पहले हमने क्या करना है कि 1 कपड़े से पूरी बाइक को हमने सुखा लेना है। उसके बाद उस कपड़े को हमने साइड पे रख देना और दूसरा जो हमारे पास कपड़ा बचा है कॉटन का, उसकी मदद से हमने पूरी बाइक को फिर से सुखाना है। इससे क्या होगा कि जो भी हमारी बाइक में पानी लगा रहेगा उस वो अच्छे से साफ हो जाएगा और हमारी बाइक की जो लुक है वो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी। सो गाइज ये था हमारा कंपाउंडिंग सीरीज़ का पार्ट 2। तो अगर आप 3rd पार्ट देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जो कि है हमारा पॉलिशिंग का प्रोसेस और वो है हमारा फाइनल कंपाउंडिंग सीरीज़ का फाइनल पार्ट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो देखने में आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।